नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। और ललन टॉप की टीम मोती इस वक्त पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की एक हॉट सीट में। हॉट सीट इसलिए क्योंकि यहां से दो बड़े नेता आते हैं, सांसद प्रहलाद पटेल और वित्त मंत्री जयंत मलैया। जयंत मलैया यहां पर करीब 6 बार से लगातार विधायक हैं और प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, मगर इस बार उनकी सीट में क्या हाल है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है काम पिछले 5 सालों में या पिछले अपने जो 6 टर्म है उसमें, यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस बार उनका चुनावी मूड क्या है, जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे। शुरू करते हैं, पहले लोगों से बात करते हैं, कुछ नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले लोगों से पूछते हैं कि उनका मिजाज क्या है, फिर जो सवाल खड़े होंगे उनके बारे में जवाब मांगे नेताओं से। जी, क्या नाम है आपका? मोंटी रेकवार, कार्यकर्ता। क्या करते, किस पार्टी कार्यकर्ता? दमोह के कार्यकर्ता, जनसेवक। जनसेवक है भाई साहब। देखिए, अगर किसी पार्टी से जुड़े ईमानदारी से बता दीजिए, इसमें कुछ चोरी छुपे वाली काम नहीं। चलिए, मीडिया प्रभारी हैं। चलिए, पहले जनता से बात कर लेना, इससे पहले कहते नेताओं से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र राठौर। क्या करते हैं? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नगर का महामंत्री हूँ, युवा मोर्चा का। युवा मोर्चा जी। भैया, आम आदमी कौन है आप, पहले शुरू से करते हैं। आम आदमी ठीक, क्या नाम है आपका? अक्षय दीक्षित। क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं जी। बताइए, शहर में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों चुनाव लड़ा जा रहा है आपकी बार? इस बार शहर में देखा जाए सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी क्योंकि दमोह शहर में बेरोजगारी भी चरम पर है, और उसके अलावा कुछ बड़े मुद्दे ऐसे जैसे पानी की व्यवस्था जो थी वो हल हो चुकी है, कुछ क्षेत्र मात्र हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं, और ऐसे कुछ छोटे छोटे मुद्दे, बाकी जो मेन विराट विकराल मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी, वित्त मंत्री जयंत मलैया हैं यहाँ पे, पिछले 6 बार से विधायक हैं, इतने बड़े नेता प्रदेश के, कोई उद्योग, कोई बड़ा धंधा यहाँ नहीं ला पाए हो? अभी तक 2 प्राइवेट उद्योग अकेले हैं दमोह शहर में, जो मायसम सीमेंट फैक्ट्री और नरसिंहगढ़ मायसम सीमेंट फैक्ट्री के 2 उद्योग हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो बमुश्किल 10% ही लोकल क्षेत्रीय वहाँ पे कर्मचारी होंगे, उसके अलावा पूरे कर्मचारी बुंदेलखंड से बाहर के ही लाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, नहीं दिया जाता यहाँ के लोगों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शंकर गौतम। क्या करते हैं आप? मैं कृषि करता हूँ, व्यवसाय भी है। अच्छा, तो खेती किसानी यहाँ कुछ लाभ हुआ लोगों को? शिवराज जी इतनी बातें करते हैं, किसान पुत्र बताते हैं खुद को, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ जो भावांतर योजना की बात होती है, लाभ मिला उसका? योजनाएं तो अनेक हैं, और जैसे भावांतर योजना तो समय पे किसानों को पैसा नहीं मिल पाया, जैसे अभी चना खरीदी वगैरह का टाइम पे नहीं डल पाता है, और भी अन्य विषय हैं। बताइए, अन्य विषय क्या खत्म हो गए? अन्य विषय मैं तो अधिक नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है जागेश्वर धाम बांदकपुर, तो मैं उस क्षेत्र को लेके लगा हुआ हूँ पिछले अनेक वर्षों से। तो पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जो पक्ष में पार्टी है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे खड़े हैं हमारे मोंटी भैया, उन्होंने बोल दिया था कि आपको बांदकपुर के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है, तो पहले वो मुझे अधिकार दें, परमिशन दें, खड़े हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद बोल सकते हैं। बताइए, तो मैं ये कह रहा हूँ बांदकपुर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है जागेश्वर धाम, जहाँ भगवान जागेश्वर नाथ जी, भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। उस क्षेत्र में मंत्री जी 35 वर्षों से हैं, और सांसद जी ने आदर्श ग्राम के तहत गोद भी लिया था उस ग्राम को। जो भक्त वहाँ पे आते हैं, भक्तों की सुख सुविधाओं हेतु वहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं, क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। जहाँ वो जो भक्त वहाँ बांदकपुर पधारते हैं उनके हिसाब से सुविधाएं, क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, अनेक काम है, व्यवस्थाएं हैं, धर्मशाला हैं, स्टेशन से बांदकपुर तक 3 किलोमीटर रास्ते पे अंधेरा डला है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, यात्री आते हैं कहीं व्यवस्थित कॉम्प्लेक्स नहीं है ठहरने के लिए, धर्मशाला नहीं, अनेक व्यवस्थाएं नहीं है। और जब कोई व्यवस्थाओं के नाम पे बात यदि कोई करता है तो लोग मंदिर ट्रस्ट के पाले में डाल देते हैं कि मंदिर ट्रस्ट कार्य करवाए। तो मैं कहना चाहता हूँ मंदिर ट्रस्ट चुनाव नहीं लड़ता है, ट्रस्ट के पास जितना पैसा है उससे विकास वो जो वहाँ कर सकता है। बात हो गई, मुझे दमोह के मुद्दे बताइए, दमोह में क्या दिक्कत परेशानी है, और लोग बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? तुलसीराम तिवारी। दमोह में क्या समस्या है, क्या दिक्कत, क्या मांग है सरकार से आपकी? हम तो एक ही मांग करेंगे, हम हैं गौ सेवक। अच्छा, तो हम सिर्फ गाय की बात करेंगे। अच्छा, फिर ये गाय की तो यहाँ से मंत्री जी हैं तो यहाँ पे गली गली गौ का गौ वंश है जो भटकते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर बांदकपुर मंदिर गौशाला है, तो यहाँ से घायल गौवंश के लिए वहाँ ले जाया जाता है। यहाँ जिला स्तरीय एक भी गौशाला नहीं है। अच्छा। और माननीय सांसद जी जो अपने बंगले के घर बाहर उनने 2 गाय बांध के रखी है प्रदर्शनी के लिए, देखने के लिए कि मैं गौ सेवक हूँ, पर आज 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, पर आज तक वो यहाँ पे कोई एक गौशाला नहीं दे सके जिला स्तरीय शहर में, जिससे गौ के लिए पट्टी बांधी जा सके। बड़ा इलाज तो दूर की बात है, और डॉक्टर हॉस्पिटल सब एकदम गौ हॉस्पिटल होती है, जो भी गौ चिकित्सा वहां पे आप अभी भी जाएंगे तो आपको डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलेंगे, शायद ताला भी डला मिले। अच्छा। तो हमारा मुद्दा सिर्फ गौ है जी। चलिए, अपने जी
आप जवाब देंगे? हम दे रहे हैं। जैसा कि गाय को क्या है, गाय दमोह शहर में कांग्रेस सरकार के समय बिल्कुल चलते हैं। चलिए, और तमाम नेता खड़े हैं तो आप साथ में जवाब ले लेंगे। जी, कांग्रेस सरकार क्या नाम परिचय दीजिए अपना। मोंटी रेकवर, जिला सेमीडे पर, भारतीय जनता पार्टी दमोह। महिलाओं का आप छुपाइए मत, वैसे भी वो महिला छुपी हुई है। जैसा कि हमारे छोटे भाइयों ने कहा है गाय को लेकर, गाय गली गली फिरती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उम्र अभी नई उम्र है, इन लोगों को नई उम्र के लोग समझ नहीं पाते। नहीं, इनको जानकारी 2003 के पहले 2001 तक जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब दमोह जो हमारा है, जब गाय के कटने के मामले में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कसाई मंडी कही जाती दमोह में। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, गायों को संरक्षण हुआ, गाय भटक जाते हैं, दिक्कत है। वो कह रहे हैं गौशाला नहीं है, आप चले गए गाय कटने। दमोह में गौशाला खुली गई है, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। गौ अभयारण्य खुला है, गौ अभयारण्य, गौ अभयारण्य कहाँ खुला है? 5000 गाय है। आपका नाम? मनीष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा। बताइए, देखिए गौ वाले मुद्दा है ये तो सब लोग छोटे मुद्दे हैं, मुख्य जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हम केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में क्या आपने 3 बड़े काम बताइए मुझे जो यहाँ क्लियर हुए दमोह के? देखिए, दमोह जौरपुर रोड जिसको पहुंचने में 6 घंटे लगते थे, आज हम 1.5 या 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं। पानी की समस्या जो 70 सालों में अंग्रेजों के समय, इसके पहले काम किया गया था दमोह पानी के समय, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और जब नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी, तब हमने पानी के विषय पर काम किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना अधिक सुधार के रखा गया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखित में दिखा सकता हूं, आसपास के पन्ना, टीकमगढ़, कटनी के लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें अगर मैं आपको गिनाने आऊं तो वहां पे मैं, मेरी शुरुआत हुई तो वहां रोजगार का मुद्दा उठा, कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं आया यहाँ पे? वित्त मंत्री हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको, आप बहुत बड़े शहर से, मैं आपको बता, कोई भी उद्योगपति अब 2000 करोड़ रुपए अपने यहाँ पर लगाएगा तो निश्चित रूप से देखेगा कि यहाँ पर रॉ मटेरियल है कि नहीं है। आदरणीय जयंत भैया ने आज से 4 साल पहले, जब 5 साल पहले उद्योग मंत्री थे वो, तो उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद SPG एक प्लांट लेके आए थे, उस सिंगल विंडो पर उसको पूरी सुविधाएं दी गई थी, परंतु जहाँ जब यहाँ पर आकर 10 खदानें भी उसको दी गई, परंतु जब उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला तो 40-50 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद वो यहाँ से निकल गए। ये बात है, मुख्य मुद्दा ही है, परंतु हमने मतलब ये मान लिया जाए कि यहाँ का जो उद्योग वाली, अब हमारे अपने हमें उद्योग वाली बात पे आपकी मैं बात रख रहा हूँ, पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, 9,500 लोगों ने रोजगार कार्यालय के माध्यम से दमोह में रोजगार देने का काम किया है निश्चित रूप से। और जो अन्य रोजगार हैं, जैसे हमारे यहाँ लगभग 8,500 मकान बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से मजदूरों को हो, चाहे दुकान हो, चाहे सीमेंट की दुकान हो, चाहे लोहे की दुकान हो, सबको कुशल और अकुशल दोनों तरीके के लोगों को रोजगार मिल रहा है, मिल रहा है रोजगार। आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी हूँ दमोह से। ये सिर्फ झूठ के पुलंदे पे बनी हुई सरकार है, 15 साल मध्य प्रदेश बेहाल, 30 साल दमोह बेहाल। इनने कौन सा उद्योग लगाया है 30 सालों में, इनने कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी लेके आए, शिक्षा का कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट खोला, सिर्फ प्राइवेटीकरण हुआ है, शिक्षा का व्यवसाय हो रहा है यहाँ पे, और जो आम और गरीब आदमी है वो परेशान है, पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, बाहर जाने के लिए। बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि आदमी को, युवाओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज आप युवा को देखो, युवा का भविष्य यहाँ पे जीरो है, क्योंकि इनने मंत्री होते हुए भी उद्योग नहीं लगाए। आपने देखा होगा कि जो उद्योग धंधे इनको लगाने चाहिए, उद्योग मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, पर कुछ नहीं हुआ। मिला के कह सकते हैं कि यहाँ के ना सांसद ध्यान दे रहे हैं दमों पे, ना विधायक ध्यान दे रहे हैं। 30 साल से दमों बेहाल है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, इतनी समस्या है, ये बताइए तो फिर जीत क्यों जाते हैं लोग 6 बार से लगातार, क्यों जीत रहे हैं? तो आप जीत का अंतर देखिए ना, एक सिर्फ एक काफी बड़े अंतर से जीतते हैं, इनका जीत का अंतर क्या है? 130 वोटों से जीते थे 2008 में, पिछली बार 4200 वोट, मतलब इनका जीत का कोई अंतर नहीं है। और ये कह भी रहे कि टेबल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अभी हमारे प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट होते होते बचा आपका। हाँ, इनने क्या क्या नहीं किया है, आपको अपने प्रत्याशी पकड़ रखना चाहिए ना। ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती है। इनको बेमतलब की आपत्तियां लगाई इनने, मतलब ये करना चाहते कि हम लोग को फंसा के रखना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे फंसे रहो, और प्रशासन को अपने बलबूते चलाना चाहते हैं। अच्छा। तानाशाही यहाँ पे जबरदस्त तरीके से चलती है। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, आप महिला हैं, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। जी, नाम बताइए। मैं एडवोकेट निधि श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता हूँ और जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। अगर बात हम महिला सुरक्षा की करें तो दमोह जिले का, मतलब विधानसभा तो छोड़िए, दमोह जिले का हाल बेहाल है। महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वित्त मंत्री जयंत मलैया की अगर हम उसमें जाएं वार्ड में, तो वहाँ अभी एक
मुश्किल से एक या डेढ़ साल, 14 महीने की बच्ची की संग रेप हुआ है, इससे बड़ी सुरक्षा आप क्या कर सकते हैं दमोह के लिए। तो बड़े बुरे हाल हैं और लगातार छोटी छोटी बच्चों के संग अपहरण हो रहे हैं, बच्चों का लापता है, शासन प्रशासन बिल्कुल मतलब यहाँ सुस्त पड़ा हुआ है। आप लोगों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया? बिल्कुल, मुझे बड़ी शिकायत मिलती है, पूरे मैं मध्य प्रदेश में घूम के आ रहा हूँ तमाम जगह, कि आप लोग विपक्ष का रोल ठीक से निभा नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, विपक्ष बिल्कुल अपना रोल ठीक से निभा रहा है, प्रशासन और प्रशासन का जो साथ है वो ऐसा है कि अगर ऊपर से आदेश हो जाते हैं तो सब जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। तानाशाह एक रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रमन खत्री, महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कांग्रेस के लोग न सरकार ठीक से चला पाए, न विपक्ष की भूमिका भी ईमानदारी से निभा पाए। सरकार तो नहीं, 2003 के पहले की बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, हमने चलाई सरकार, वो हम बता रहे हैं आपको। मेरे भाई प्रवक्ता है, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, ये मेडिकल कॉलेज की बात ये लोग कर रहे हैं जिनने 54 साल में कुल 5 मेडिकल कॉलेज खोले। समस्या ये है, तो लीजिए मेरी बात तो आ जाए पूरी। हमने इन 15 सालों में 10 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, ये किन मुंह से बात करेंगे कि मेडिकल कॉलेज की? दमों में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? हमने पहले उनसे कौन समझाया, 2100 करोड़ रुपए की सिंचाई की परियोजनाएं चल रही है दमों में, 2100 करोड़ की। मेडिकल कॉलेज में 200-250 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है, वित्त मंत्री हैं, जिस दिन चाहेंगे ऐसे चुटकियों में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। प्राथमिकता किसान है, प्राथमिकता किसान हमारे लिए, प्राथमिकता किसान है, क्योंकि वो अगर हर पूरा दमोह जिला जिस दिन संचय 70% हमारे एरिकेशन होगा, पंजाब से आगे होगा दमोह जिला, और पंजाब से आगे होगा। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे मैं, युवक भाई मैं बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी है लेकिन उसके निराकरण के लिए भी जब कृषि आधारित हम उद्योग लगाएंगे ना तो बेरोजगारी भी हल होगी। ये बात इनको क्या उद्योग लगे कृषि आधारित? बहुत सारी चीजें हैं, कृषि आधारित उद्योग, हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, अभी नहीं है फूड पार्क, नहीं उसी के लिए है ना, अगली बार सरकार बनी है, हम बात कर रहे हैं कि हमारा एरिकेशन होने वाला है, जो हमारी 2100 करोड़ की परियोजना आने वाले 3 सालों में जब पूरी होंगी, 70% भूभाग हमारा जब सिंचित होगा, कृषि जब डेवलप होगी तो निश्चित रूप से हमारा उस तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सर आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं हुआ होगा, सब कुछ सब चीजें होगा नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हम रायबरेली और अमेठी परंपरागत सीटें हैं, वहाँ हो गई क्या, जाके देखेंगे लोग? सर जब वहाँ चुनाव होगा तो हम जाएंगे वहाँ भी देखेंगे, फिलहाल दमोह की बात करते हैं ना। मैं यही, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्या मतलब? देखो ये जादू की उससे छड़ी से दूर होने वाली चीज नहीं है, 15 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन 54 साल इनके भी थे, क्या दूर हो गई थी क्या? तभी तो उनको हटाया गया, क्यों हम लोग तो तैयार कर रहे हैं ना, आप बताइए। तो अगर दिग्विजय सिंह के टाइम में अच्छा काम हुआ होता, 10 साल वो रहे, तो क्यों इतनी बुरी तरीके से हारते? स्किल डेवलपमेंट की भी तो बात कर रहे हैं हम, स्वरोजगार की भी तो बात कर रहे हैं हम, लोगों को लोन उपलब्ध तो करा रहे हैं बड़ी आसान तरीके से। उस समय तो लोन मिलना तो कभी कल्पना की बात भी नहीं था, 1 लाख रुपए लोन लेना पड़ता तो लोग 10-20 चक्कर काट के अपने परेशानों के बैठ जाते थे। आज 10 से कम 10 लाख प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी उसमें। कुछ युवाओं से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा पटेल, मैं छात्र क्रांति दल दमोह जिले का अध्यक्ष हूँ। जी, इन्होंने बात की स्वरोजगार योजना की, कह रहे तमाम स्वरोजगार की यहाँ योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत रोजगार मिलेगा जी, क्या जी, लगता है सर? सर स्वरोज योजना के अंतर्गत, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक भी है, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो लोन पास किए जा रहे हैं वो ठीक है, परंतु जिनकी बैंक में व्यक्तिगत सेटिंग चल रही है, बैंक में जो दलाली देना चाहता है, तो बैंक में खुले रूप से दलाली और सेटिंग वाली चल रही है, अगर उनकी व्यक्तिगत पकड़ है किसी बैंक में, तो उद्योग विभाग के लिए करने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं खुद कई बार व्यक्तिगत गया हूँ उद्योग विभाग, तो सरकार की योजना का लाभ देना तो वो चाह रहे हैं, परंतु उनका स्पष्ट रूप से कहना ये होता है कि पहले आप व्यक्तिगत रूप से बैंक में बात कीजिए, बैंक वाला आपको लिख के दे देगा तो आपको लोन फाइनेंस करेगा। बैंक वाला बोला भैया आपकी गर्दन हम क्यों फंसाएं, हमारे यहाँ पर 1000 केस आ रहे डेली, 1000 लोगों के लिए देना संभव नहीं है। सर बात अगर रोजगार की जाए तो विगत कई वर्षों से आज दिनांक दमोह जिले में रोजगार कोई भी स्थापित नहीं किया गया है, और बात अगर माई सेंसमेंट फैक्ट्री की आती है तो स्थानीय लोगों के लिए मात्र 2-3% लोग स्थानीय लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। हम 1.5 साल से इस पूरी मुहिम के लिए मुद्दा बनाए हुए हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए जी। कम से कम 10,000 युवक वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, अगर दमोह जिले के ही 10,000 युवा वहाँ पर रोजगार करें तो सर बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी ही नहीं। उसके द्वारा एक विद्यालय संचालक ज्ञानोदय विद्या मंदिर नरसिंहगढ़, उनके जो प्राचार्य हैं उनकी डिग्रियाँ फर्जी पाई गई 16, यहाँ पुलिस ने जो जांच की है 16 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं, परंतु सर 1.5 साल से आंदोलन कर रहा है, सब कुछ हो गया है, तो उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध ना करते हुए हम लोग 32 जन के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया। विधायक जी के पास नहीं गए आप लोग शिकायत? सब सबके यहाँ गए सर, विधायक जी के यहाँ बोले, विधायक जी के यहाँ गए, मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला प्रशासनिक कार्यवाही है, प्रशासन अपने ढंग से करेगा, परंतु सर 1.5 वर्षों से अगर प्रशासनिक कार्यवाही लंबित है तो सर राजनीतिक संरक्षण स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। फिर तो वो सर क्या जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रचार है किस कॉलेज के,
उनकी डिग्री फर्जी निकली। मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने कभी अखबारों के माध्यम से ऐसा पढ़ा था कि ऐसा हुआ है, पर आज तक मुझे नहीं लगता मेरे संपर्क में कभी आदरणीय जयंत भैया के पास किसी मामले को लेके गए हों। नहीं करते रहे होंगे, अखबारों के माध्यम से ही बात यहाँ पे पता चलती है बीजेपी के लोगों को, धरातल पर कुछ नहीं। जहाँ तक इनकी रोजगार वाली बात है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, जब बड़े बड़े आंकड़े लेके आरोप लगाते हैं, 10,000 युवा डायमंड फैक्ट्री में काम कर ही नहीं रहे, कितने कर रहे हैं? मुश्किल से 2,500 से 3,000 की कैपेसिटी वहाँ की है, और स्थानीय लोग 70 से 80% लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया। पर आप टेक्निकल पोस्टों पर अगर चाहेंगे, पुरानी फैक्ट्री हो गई, नई नई की बात करते हैं, 2,500 करोड़ रुपए की क्षमता उसकी नई फैक्ट्री की बढ़ाई गई उसी के लिए। दूसरा एक और उत्पादन फैक्ट्री उसमें बढ़ा के आदरणीय जयंत भैया जब उद्योग मंत्री थे, उसको 2,500 करोड़ रुपए की लागत से उसको पुनः उसको बढ़ा करके करने का काम किया गया है। पर आप अगर टेक्निकल चीजों पर सोचेंगे कि टेक्निकल लोगों पर आप दमों को लोगों को बैठा लें, जब उनके पास वो स्थिति है नहीं, उनका एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन अगर नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए 15 साल सरकार किसकी है यहाँ पे? आपकी है। अगर यहाँ के लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, आप करें क्वालिफिकेशन वैसी नहीं है जो उस इंडस्ट्री में चाहिए, तो उसके लिए आप भी तो कहने के जिम्मेदार है ना। कौन से कॉलेज यहाँ बनवाया बताइए जरा बड़ा। देखिए एजुकेशन नहीं, नहीं 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 नहीं, कांग्रेस के समय में यहाँ पर केवल एक महाविद्यालय हरि सिंह और विद्यालय था। आज भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के साथ 9 विद्यालय यहाँ पर खुले हैं, मतलब जो कॉलेज हैं उनकी संख्या प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 9 ही, पूरे दमोह जिले के अंदर। नहीं नहीं सरकारी भी खुले, सरकारी उसमें से 4 सरकारी हैं, 5 प्राइवेट हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं क्या उनको, उसके पहले आजादी के 70 वर्षों में केवल एक कॉलेज था? आजादी छोड़ दीजिए, आजादी के 70 वर्ष में उन्होंने खराब काम किया कांग्रेस, तभी उनको 15 साल का वनवास झेलना पड़ रहा है। अब क्या होगा बताएगी जनता। लोकतंत्र के मंदिर की भगवान जनता होती है, और उसका लगातार आशीर्वाद हम सब लोगों के लिए मिल रहा है। दमो में स्थिति कांग्रेस द्वारा इतनी खराब है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत की शर्तें लगाई जा रही है। स्थिति तो इस बार आपकी भी सही नहीं बता रहे हैं लोग। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया 5 बार के सांसद बीजेपी के, बड़े नेता माने जाते हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, बता रहे हैं इस बार वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, उसमें एक सीट दमोह भी है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, बड़ा आपके लिए खतरा हो रहा बता रहे हैं इस बार। देखिए आदरणीय रामकृष्ण कुसमारी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों पे भी और दमोह के लोगों पे बना रहा है, मुझे निश्चित रूप से पता है वो अंत अंत तक। मगर इस बार ऐसा तो नहीं कि दमोह का आशीर्वाद उनको मिल जाए? नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे अगर उनको ही मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनका आशीर्वाद सही रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर उनका सदैव आशीर्वाद बनता है, और मुझे यकीन है अंत अंत तक 28 तारीख तक चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो आपको अपील करते हुए मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बात चल रही है अभी मनाने की उनको, अब कुछ बातें आपके सामने लाई नहीं जाती है, पर मुझे मैं जितना हिंट आपको कर सकता हूँ बता सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदे की सरकार है, ये ऐसी विज्ञापन कंपनी है जो गंजों को भी कंघी बेच दे। बीजेपी का ये काम है कि जो गंजों को भी कंघी बेच दे, मतलब इनका सिर्फ, इनने बोला पेट्रोल के दाम, थोड़ा आप भी सीख लीजिए उनसे, इनने बोला पेट्रोल के दाम कम होंगे, इनने बोला पाकिस्तान से 10 शेर आएंगे, सर कहाँ चलेगा पाकिस्तान, दमोह की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, इनने केवल 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 झूठ की दम पे सरकार बनाई है। किसान अभी तक भवंतर के भवन फंसा हुआ है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ की व्यवस्था इतनी ऐसी क्यों कि अतिक्रमण में अपने लोग बच जाते हैं, दूसरों के घर टूट जाते हैं, सरकार चैन से चल क्यों रही, कर क्या रहे हैं अभी, कहाँ चली, जनता जवाब देने वाली है इनको, जबरदस्त जवाब देने वाली है अब इनको। 20 सीटों के नाम पर सुन, दीपक मिश्रा क्या करते हैं सर? कांग्रेस में आईटी सेल के जिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो बताइए क्या क्या फैलाया आपकी बार आप लोगों ने आईटी सेल? तो सर पहला तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर मंत्री जी 15 वर्षों से लगातार मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री रहे, पानी की समस्या आज तक हल नहीं कर पाए, उद्योग मंत्री रहे, आज तक दमोह शहर में कोई उद्योग नहीं लगा पाए, सिर्फ इन्होंने निजी संस्थान ओजस्विनी के नाम से खोल रखी हैं, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि कल मेडिकल कॉलेज बन जाया गया था, चुटकियों में बोल रहे हैं वो निजी कॉलेज बनेगा, आप खुद जानते हैं कि ऐसे घर घर सरकार की ऐसे एम्स से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं खुद नहीं जानता, लोगों से पूछूंगा, और लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? बसंत कुशवाहा। क्या करते हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। सिर्फ मैं 2 मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। अभी हमारे साथी भाई ने कहा है कि यहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए फैक्ट्री नहीं बन पाई। मैं चाहता हूँ विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो तो खुलना चाहिए। दूसरा मुद्दा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथी कार्यकर्ता कह रहे थे चुटकियों में बजाते ही मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, तो 15 सालों से इन्होंने चुटकी क्यों नहीं बजाई आज तक? तो मैं चाहता हूँ कि चुटकी बजा देते तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हो जाते मेडिकल का। तीसरा मैं किसान हूँ, मैं ये भावांतर की जो योजना है सबसे विफल योजना है सरकार की, 6-6 महीने पेमेंट नहीं मिल रहा, आज खाद बीज के लिए
हमें खुद उधार लेना पड़ रहा है साहूकारों से 10% ब्याज पर। तो ये टोटल भावांतर योजना फेल है और शिवराज सिंह की सारी योजना फेल है। हाँ ठीक है सर, किसान तो किसान है ना, कांग्रेसी हो किसी पार्टी का हो, किसान नहीं हो सकता क्या? ऐसा करिए आप उधर जाइए, आम लोग जो है जो नेता लोग उस तरफ हो जाएं, और जो आम लोग इधर, मैं इधर आता हूँ मुंह लगाता हूँ माइक पे और नेता निकलता है कोई। जी क्या नाम है आपका? शुभम पटेल, जिला उपाध्यक्ष छात्र क्रांति दल। छात्र क्रांति दल किसी पार्टी के जुड़ा हुआ संगठन नहीं है ना? क्या मुद्दे शहर के बताइए? मुद्दे ये है सर कि जहाँ एक शिक्षा की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर की जो क्लासें होती हैं वो परिकथाओं जैसी लगती हैं। जब तक कोई भी छात्र दमोह शहर में आके एजुकेशन ना ले तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि वास्तव में कंप्यूटर होता क्या है। अच्छा। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि जिसकी भी सरकार आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर की पद्धति को लागू किया जाए। अच्छा, जो कंप्यूटर नहीं पहुंचा ग्रामीण क्षेत्रों में जी, क्या है कि सरकार ने तो बाकायदा लागू किया है उसके लिए, लेकिन सरकार का जो है ऐसा एक सर सिस्टम होता है, पानी से टंकी से पानी लाया जाता है तो पाइप होता है वो लीकेज हो जाता है कहीं कहीं, तो सिस्टम थोड़ा लीकेज है सर यहाँ। अच्छा। तो बिल तो लगे हुए हैं सर, बिल लगे हुए हैं, कंप्यूटर खरीदे गए हैं, सब कुछ है सर। स्थिति आज ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लाइट नहीं है, पंखे हैं नहीं, वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा परिकथाओं से लगेगी ही सर। समय पर शिक्षक पहुँच नहीं रहे हैं, समय पर कुछ काम हो ही नहीं रहा है विद्यार्थियों के लिए। आज स्थिति ये है कि टेंथ में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज अपने इंग्लिश में नाम नहीं लिखते बन रहा है उनसे। मैं एक विचारधारा सपाट विचारधारा से हूँ, मनोज देवलिया जी। तो इस बार क्या है यहाँ, कुछ माहौल है आपके लिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बहुत बन रहा है माहौल। कैसे? इनके विकास से, इनका विकास ने जन्म लिया था और सीधा बूढ़ा हो गया। आप तो विकास हो किसी और, इन्हें जातिवाद चीज़ पे है ना? हाँ जी, इन्हें जातिवाद आपका पहला विकास था नहीं, आप तो SC ST एक्ट के बाद बने। जी जी जी, तो यहाँ उसकी भूमिका कुछ है? इन लोगों ने जो जातिवाद फैला के रखा है, आपसी वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बनी हुई है, जो पूरे प्रदेश सहित देश में और दमोह शहर में भी अंतर्कलह गृह युद्ध की ओर ले जाकर देश को बेचने की, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के द्वारा देश इस पर क्यों चले जाते हैं यहाँ बताइए ना। दमोह में भी यही स्थिति है भैया, दमोह में आप और हम में भी आज ये हो रहा है कि जाति देख कर कार्य हो रहे हैं, जबकि वास्तव में बताइए ए से लेकर जेड तक जो भी कार्य होते हैं भैया जी, पर्टिकुलर बताइए ना। यहाँ टिकटें इन राजनीतिक दलों के द्वारा विधानसभा की टिकटें भी जाति देख कर दी गई हैं, जातिगत आंकड़े बिठाल कर दी गई हैं, और केवल रेकवार समाज की वोट कम होगी मोंटी भैया। यहाँ पर 2-3 जातियों की वोट अधिक है, 2-3 ही जातियों के प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे हैं, यहाँ तक की जहाँ प्रॉपर विधानसभा के प्रत्याशी है उस विधानसभा के नहीं दूसरी विधानसभाओं से प्रत्याशी बुलाए गए हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यही जो जातिवाद जातिवाद और काले कानून के विरोध में एक सपाक्ष विचारधारा का उदय हुआ। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड, आप तो बड़ा समय देख लिया होगा यहाँ पे। अब जी हाँ, 28 साल करीब विधायक है जयंत मले। आप बताइए क्या वाकई या कुछ काम हुए, चीजें बदली हैं? काम जो हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब अपने कर्मों के आधार पर निर्भर है। कर्म नहीं है, कर्म तो विधायक जी के क्या कर्म है वो बताइए ना। अब सब ठीक है बताइए ना। नहीं मैं, आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, बुजुर्गों का काम है दिशा दिखाना युवाओं को। अपना सही कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलते ही रहेंगे। कर्म अच्छे किए हैं उन्होंने? किए होंगे सबने, अच्छे होंगे मतलब संशय है आपको? अपने अपने समय पर सबने अपने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बस इतने होंगे। अच्छा, राजनीतिक कुछ बात नहीं करेंगे आप? अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या माहौल है इस बार? अच्छा है माहौल, सब जो भी है अच्छा। नहीं अच्छा तो रहना ही चाहिए, अच्छा तो रहता ही है। चुनाव का क्या माहौल है, किसके पक्ष में लग रहा है इस बार कुछ माहौल? ये ज्यादा मैं नहीं, इस मामले में नहीं कर सकता, मैं इस मामले में कुछ नहीं। अरे बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे, चलिए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि वर्तमान जो है वो कल भविष्य भी रहेगा। वर्तमान जो है वो भविष्य मलैया जी थे, मलैया जी रहेंगे। बगल में खड़े मलैया जी समर्थक बताने के लिए, क्या नाम है आपका? नितेश सोनी। हम समाज सेवा का कार्य करते हैं। भैया जातिवाद का बोल रहे हैं जी, कि यहाँ पे जातिवाद हावी है कुछ भी, ये तो बीजेपी के नेता अगर हैं तो बताते क्यों नहीं आप लोग? समाज सेवा वाली बात कर रहे हैं। पहले ही से जैसे भाई साहब ने बोला जातिवाद हावी है, पर्टिकुलर दमोह विधानसभा की हम बात करें, आज पेपर में भी आया था, कांग्रेस हर बार यहाँ जातिगत समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी उतारती है। लोकल का इनका कोई भी कांग्रेसी नेता को उन्होंने टिकट नहीं दी, बाहर से उन्होंने जाति का समीकरणों के आधार पर लोग। कांग्रेस कितनी चिंता क्यों है आपको? अपनी चिंता करिए ना। हम वही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किसी भी प्रकार से जाति का समीकरण के आधार पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। अच्छा। जिस जाति का भी जाति छोड़िए, किया क्या बताइए?
अभी आपने इतना डिबेट देखा, लोग सिर्फ एक समस्या को मेन बता रहे हैं, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है सर, बेरोजगारी मेन वोटर यही युवा है। बेरोजगारी की अगर अपन बिल्कुल डीप पॉइंट पे जाएं तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, लेकिन अगर परसेंटेज के आधार पर अपन तुलना करें, अगर इनके रायबरेली से भी तुलना करें, अरे रायबरेली आप लोग रायबरेली और अमेठी से कब बाहर निकलेंगे सर, जी अनुपात वहां की जनता तय कर देगी ना क्या करना है। बेरोजगारी है जयंत भैया ने रोजगार के, हमारी सरकार ने रोजगार इतने द्वार खोल के रखे हैं, खोल के रखे आप हमारे द्वार नहीं बता पा रहे हैं। एक मिनट, इमली का पेड़ लगा है, इमली का पेड़ लगा है, इमली गिरेंगे नहीं, इमली को हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें सही कह रहे हैं, अगर आप लोग को चिल्लाना है हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर सुनिए, अगर आप लोग को चिल्लाना है तो कोई फायदा नहीं, आराम से बात करिए ना। मैं कह सुनिए, आइए आइए। जी क्या नाम है आपका? दमोह की सबसे बड़ी गांव की सब, मेरा नाम जया ठाकुर है, मैं यूथ हूँ, मैं यूथ की तरफ से ना किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं, SNHUI जी तो बता दीजिए ना। NHUI विधानसभा अध्यक्ष और मैं छात्र क्रांति दल की महिला जिलाध्यक्ष भी हूँ। युवाओं की यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि दमोह में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है, और जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ तो ना कोई उद्योग खोला गया है यहाँ पे युवाओं के लिए, ना कोई कॉलेज में कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें जो ये बता रहे हैं हमारे बड़ी भाई साहब कि यहाँ पे इमलियाँ का पेड़ फलाना ढिमका, वो सब कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के लिए, जिनकी सत्ता है उन्हीं को रोजगार मिलता है, जो नेताओं के वहाँ रहते हैं, जो नेताओं के यहाँ रहते हैं, जिनकी पार्टी है, जिनकी सत्ता है, सब उनके लिए रोजगार है। यहाँ पे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार फिरते हैं, बड़े बड़े युवा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियरिंग की डिग्री लेके ठेले में मतलब फुल्की चाट बेचते हैं, ये वर्तमान समस्या है दमोह की। इमली वाली बात की थी, मुझे तीन इमलियां गिरा दी है जो आपने पिछली बार पिछले 5 साल में दी है। कृषि प्रधान भैया, दमोह में हम लोगों ने रोजगार के कैंप लगाए, 9853 लोगों को बुलाकर रोजगार दिया, दिए नौजवानों के लिए, आकाश त्रिवेदी, गौरव जैन, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अभिषेक नेमा, सभी लोग रोजगार, इन रोजगार दिए हैं, लोगों के नाम बता रहे हैं। आपके लिए समय हो तो नाम गिना दूंगा भाई साहब, बहुत बुला बुला के इतने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन दमोह के लोगों में हमारी सरकार ने लोग निकम्मा बना दिया, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल लेकर लोग आजकल नकारे निकम्मे हो गए हैं, उनके नकारे निकम्मे हो गए हैं। आप सही है, लोग नकारे निकम्मे हैं, आप सब कर रहे हैं, लोग नकारे निकम्मे हैं, क्या ये बात हो रही है? ये आता था, ये आपके पार्टी के नेता है पीछे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका? मोंटी जी। मोंटी जी कह रहे हैं लोग ही निकम्मे हैं, इसने रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे दमोह जिले का नाम है आपका? अनिल मिश्रा जी। प्लीज शोर मत करिए, है ना, कोई फायदा नहीं होगा, है ना, और शोर करना तो मैं बंद कर दे रहा हूँ, बता दीजिए, आराम से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल मिश्रा, मेरे जिले के नौजवान ऊर्जावान है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको बाहर से कंपनियां बुला के कैंपस सिलेक्शन जो होता है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने और यहाँ के विधायक जयंत पलिया जी ने किया है। अब जो जितनी कैपेसिटी है, जो जिसकी एजुकेशन है, उस हिसाब से ही तो सारी पार्टियां लेंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, मगर एजुकेशन के लिए क्या किया गया है यहाँ पे? यहाँ के बच्चे अच्छा एजुकेशन पा सके, इंजीनियरिंग कर सके, मेडिकल कर सके, क्या किया है आपने? अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक कोचिंग क्लास का प्रारंभ कराई है कि यदि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और उस मेडिकल कॉलेज में यदि दमोह के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो हमारे यहाँ कॉलेज खोलने का मतलब क्या है? बिल्कुल, इसीलिए नहीं खोल रहे हैं। ये एक प्रयास हम लोगों ने किया है, करीब 59 बच्चे उसमें कोचिंग ले रहे हैं। अच्छा, मतलब तैयारी चल रही है अभी? तैयारी चल रही है, मेडिकल कॉलेज खुलेगा और बहुत जल्द खुलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जबलपुर में और सागर में मेडिकल कॉलेज है जी। जो डिस्टेंस यही तो शिकायत है इन लोगों की कि अगल बगल चला, यहाँ का मेडिकल कॉलेज मुझे बताया गया छतरपुर चला गया है। भाई साहब, छतरपुर के लोग क्या मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है? उनके पास 200 किलोमीटर तक मेडिकल कॉलेज नहीं था। जयंत भैया पूरे मध्य प्रदेश के नेता है, उनको उनकी भी चिंता उतनी है जितने दमोह के लोगों की। दूसरी बात, हमें 2000 करोड़ की जली सिंचाई योजनाएं चाहिए थी कि 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, हमें चूंकि इस समय ये लगा कि मेडिकल कॉलेज से ज्यादा जरूरत हमें इस चीज की है कि कृषि आधारित अगर हम उसको कृषि को बढ़ावा देंगे तो उससे जो प्रति व्यक्ति इनकम है उससे निश्चित रूप से रोजगार ही पैदा होंगे, फूड पार्क लगाने के माध्यम से और कृषि आधारित उद्योग जब लगाए जाएंगे। आपको एक बात बताएं, जो हम लोगों ने 10 साल में उद्योगों के बारे में सोचा है, निश्चित रूप से हम ये पा पाए हैं कि
आप बड़ी फैक्ट्री किसी चीज की दमों में लेके नहीं आ सकते। दमों का जो मुख्य धंधा और वो है रोज अपना कृषि का, खेती का। तो जब हम खेती को पकड़ के चलेंगे, खेती कृषि सेक्टर को पकड़ेंगे, उसी के माध्यम से भाई साहब हम लोग सर खेती को पकड़ के चलना अच्छी बात है। आप किसानों की चिंता कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, मगर युवाओं की चिंता तो आपको करनी पड़ेगी ना। ये सिर्फ ये कह के कि हम सिर्फ कृषि के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है, तो क्या ये लोग जरूरी नहीं है? जब आप एक आप निश्चित रूप से आप एक चीज बताइए, जब 2003 हमारी सरकार आई थी तो बिजली, सड़क, पानी जैसे मुख्य मुद्दे थे। आप ये तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमने इनमें बहुत शानदार काम किया है, तब तो लोग आपको स्वास्थ्य और इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे। बेरोजगारी निश्चित रूप से मैं खुद बहुत ईमानदारी से मानता हूँ कि समस्या है, उसमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है, बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी है। अगले बार जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी हमारा प्रमुख ऐसा मुद्दा होगा जिसके बारे में हम निश्चित रूप से काम करने का प्रयास करेंगे, और बहुत काम आपको इसके पहले हम बता चुके हैं। चलिए जी, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं छात्र क्रांति दल से छात्र प्रकोष्ठ शिखा पटेल उपाध्यक्ष हूँ। दमोह में जो मेडिकल कॉलेज आना था और वो यूनिवर्सिटी भी आनी थी, तो वो कुछ राजनीतिक तथ्य उनके चलते वो यहाँ पे वो भी नहीं स्थापित हो सकी। जो कुछ युवा वर्ग है वो तो लड़के हैं जो पढ़ सकते हैं, हम लड़कियां कहाँ बाहर जा सकते हैं? किसी की आर्थिक स्थिति नहीं होती कि जो बाहर कोई बाहर जा सके, और जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति वाली बात तो ठीक है, मगर लड़कियां सब जगह जा सकती हैं? नहीं जा सकती। कुछ जो आर्थिक स्थिति जिन लड़कियों की कमजोर होती वो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। वो बात ठीक है आपकी, बाकी हिम्मत में कमी नहीं आप लोगों की? नहीं, इसमें शंका मत करिए कभी। जी आप बुला रहे, क्या नाम है? महेंद्र राठौर। क्या करते हैं? मैं युवा मोर्चा में नगर महामंत्री, बताया था मैंने आपको। बताइए, ये लोग अभी बार बार बोल रहे थे ओजस्विनी कॉलेज, ओजस्विनी कॉलेज। हाँ। ठीक है, ओजस्विनी कॉलेज है, और जयंत मलैया जी, सदा मलैया जी उसको आदरण चलाती हैं। उसमें 600 परिवार उसमें रोजगार करते हैं, और लगभग हजारों की संख्या वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या इन लोगों की नजरों में क्या वो विद्यार्थी नहीं है, क्या वो परिवार नहीं है दमोह की? उन्हें रोजगार मिल रहा है, 600 परिवार रोजगार कर रहे हैं वहाँ पे। जो यहाँ पे क्या पढ़ के कर रहे हैं वो इंजीनियर नहीं कहलाते? क्या यहाँ की डिग्री मान्य नहीं होती? उनको रोजगार ही मिलता है। ये लोग जो बोलते हैं कि ओजस्विनी कॉलेज में सीने ताने कहते हो कि मेरे नेता उसको चलाते हैं, और हमें इसका गर्व है। उच्च शिक्षा के मंत्री आदरणीय सालुमन जी और तकनीक पटेल जी ने उसका उद्घाटन किया था, इनकी सरकार के जब मंत्री थे। मुझे गर्व है कि मेरे नेता उसको चलाते हैं। किसी गवर्नमेंट कॉलेज का उद्घाटन होता तो और ज्यादा गर्व बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित ही। हमारे संकल्प पत्र में लिखा है, हमारे नेता ने लिखा, उसकी हिम्मत देखिए आप। उसने लिखा है कि आगामी सरकार में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और हमारे नेता जो बोलता है वो करता है। मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ, आगामी समय में सरकार बनेगी और सदो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। इस बार बोला, पहले नहीं बोला था? 15 साल में पूरे मध्य प्रदेश में कितने कॉलेज थे मेडिकल? एक मिनट भैया, आप लोग आराम से बोलो। कितने कॉलेज थे? आराम से बोलो। इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि लोग को सुनाई नहीं देता, ना दिखाई देता है। इनको सुनना चाहिए, जनता देख रही है। जनता जनता नहीं, मेरे सब भाई लोग हैं, मेरे सब आदरणीय लोग खड़े हैं, सब सम्माननीय, एक ही पार्टी, सब अलग अलग पार्टी विचारधारा के हैं, मगर है सब सम्माननीय। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे 15 साल में पूरे मध्य प्रदेश में खुल गया। जहाँ छतरपुर में खुला, छतरा में खुला, वहाँ भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारे मध्य प्रदेश की जनता है। हमें जरूरत हो गया, यहाँ खुल जाएगा। अभी हमारे यहाँ सद्धर योजना आई, सिद्धनगर योजना आई, निश्चित खुलेगी। तय कैसे होता, जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सागर में मेडिकल कॉलेज है, जबलपुर मेडिकल कॉलेज 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, छतरपुर से आप अंदाजा लगाइए, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी लोग बीमार होते हैं, उनके लिए कितनी दूर जाना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने समझा, वहाँ खोला, और निश्चित समय में यहाँ जरूरत होगी, यहाँ भी खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। रितेश सोनी, जो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के भाई लोग हैं, उनकी सिर्फ दिक्कत ये रहती है, जैसे अगर बगल के जिले में कोई भी चीज आती है, उसकी घोषणा होने के बाद उनको उत्सुकता जागती है कि हम वो दमोह में भी लाएं। जैसे दमोह में भैया ने फूड पार्क की घोषणा की है कि दमोह में फूड पार्क खुलेगा, यदि इसकी घोषणा छतरपुर या सागर में हो जाती तो यहाँ के लोग बोलने लगते दमोह में फूड पार्क नहीं आया, फूड पार्क नहीं आया। लेकिन भैया ने यहाँ पे घोषणा कर दी तो उसके लिए कोई नहीं बोल रहा कि भैया यहाँ फूड पार्क आ गया। घोषणाओं से क्या होगा, मिला क्या, ये बताइए ना। हम जयंत भैया की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, उनकी एक भी बात बता दें कि जो उनने कही हो ना भाई, हो वो कोरी घोषणा आज तक नहीं की। भैया मेरा नाम नौशाद कर, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ ग्रामीण में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। हमारे इधर जिला अस्पताल है, आप एक बार जाके वहाँ टाल से तो अच्छे अच्छे लगे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, ना स्टाफ है, ना स्टाफ का व्यवहार अच्छा है, ना इधर के जो मंत्री जी है ना, उनका सिर्फ ना फंड देने का अधिकार है, उसको जांच करने का नहीं, वो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये दवाइयाँ आ रही हैं। आप एक बार जाके वहाँ चेक करिए कि रात में क्या स्थिति रहती है। आपने क्या किया इसके विरोध में? बहुत कुछ किया सर, लेकिन होता क्या है, भ्रष्टाचार किया है। इनके सीएमओ को हटा दिया, जिसको हम लोगों ने हटाने की कोशिश करी उनको नहीं हटाया, जब इनका हटा दिया
किया? नहीं, हम लोगों ने नहीं, जब हम लोगों ने विरोध किया जब हटाया गया, लेकिन जब दवाइयां पकड़ी गई कि बाहर मार्केट में बेची जा रही हैं, तब किसी ने हल्ला नहीं किया। ये सरकार वो सरकार है, अपना जेब भरना जानती है, ना कि दूसरों की जनता की सेवा करना। इनके कुपोषक शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विदिशा से मुख्यमंत्री, वहां सबसे ज्यादा कुपोषक बच्चे पाए, बुधनी से भी है और विदिशा भी थे, दो जगह से थे। अभी बहुत बड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या गौवंशों को लेकर है। दमोह में गौ हत्या और गौवंशों की तस्करी चरम पर है। इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया, गौवंश वाली बात हो चुकी है, आप युवा हैं और बातें करिए ना। उसके अलावा आवास योजना, पशु चिकित्सालय होता है, पशु चिकित्सालय, गौ माता, गौ माता हमारी माता है, हमेशा हर मंदिर एक ही चीज बार बार बोलेंगे, समय तो खराब होगा। आवास योजना के बारे में बोलना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री अखिलेश सिंह ठाकुर, एक छोटा सा व्यवसायी भी हूँ, 10 साल से समाज सेवा करता रहा हूँ, जुड़े किसी बीजेपी से, बीजेपी का नगर उपाध्यक्ष हूँ। ये बोलना चाहता हूँ, हर गरीब के केवल दो ही सपने होते हैं, हमारी बच्ची की शादी हो जाए और मेरा पक्का घर बन जाए। तो भाजपा सरकार ने उस गरीब की ये महत्वपूर्ण दो इच्छाएं, गरीब बच्ची की शादी भी करवाती है और उसके लिए पक्का मकान भी दे रहे हैं, जमीन नहीं है तो नया मकान बनवा के दे रहे हैं। अगर पीछे ऐसे खड़े कमेंट करेंगे फायदा नहीं है जी। ये सबसे बड़ी जरूरत थी गरीब की, वो की है आयुष्मान योजना में 5 लाख तक के इलाज करवा रहे हैं, बिना इलाज के कोई हमारा गरीब। आयुष्मान योजना का लाभ मिलने लगा या लोगों को? क्या कहलाती है ये? तो सब लोग चिल्लाएंगे, खेती पर बताइए। इन्होंने बोला है कि खेती लाभ का धंधा है, तो मैं भी बोलना चाहती हूँ, अभी अभी ये न्यूज आई है सर, अभी अभी ये न्यूज आई है, खेती लाभ का धंधा है, तो मंत्री जी की खेती का लाभ है 5 साल में 6 करोड़ से 11 करोड़ हो गई, और उनकी पत्नी की 19 करोड़ हो गई, तो इनके लिए बस खेती लाभ का धंधा, और किसी किसान से पूछ लीजिए, भावांतर में उनकी आज तक जो पिछली बार बिकी थी आज तक वो पैसा नहीं आया, वो मेरा भी नहीं आया, और अभी जो उड़दा की फसल हुई थी वो बिक नहीं रही है, तो इनका कैसा भावांतर है और कैसी खेती लाभ का धंधा है ये बताएं ये। और जो दमोह में बस स्टैंड खोला जा रहा है वो निजी, जहां इनकी जहां 300 एकड़ जमीन है वहां पे 8 किलोमीटर दूर बस स्टैंड दमोह से ले जा रहे हैं, जबकि यहां पर पर्याप्त जगह है, और जहां से बस स्टैंड बनेगा तो यहां उद्योग दुकानें चलेंगी, और जो इनको बेरोजगार करने का और निजी काम और निजी फायदे के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं। बस स्टैंड अपने सागर नाक पे जहाँ इनकी भूमि है, ओजस्वी संस्थान है, जहाँ 300 एकड़ इनकी जमीन जुड़ी हुई है, वहाँ पे अपने बस स्टैंड खोलना चाह रहे हैं। खुलना कहाँ था? खुलना यही सर, शहर में बहुत सारी जगह है, पर्याप्त जगह है सर बस स्टैंड के लिए यहाँ पर। और इन्होंने अभी अभी तो ये बोर आया है उसका तो अच्छी जगह हो जाएगी, अभी बस स्टैंड अपनी निजी जगह पर ले जा रहे हैं, जिससे उनका पेट अभी तक नहीं भर पाया तो और भर जाएगा, और यहाँ जो दुकानदार रोजगार से जुड़े हुए हैं वो और बेरोजगार हो गए। इनके जो भाजपा के जो भक्त अभी अभी चिल्ला रहे, भक्ति बस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई ना सुविधा है ना रोजगार है। आप किसके भक्त? मैं तो जनता की बात बोल रहा हूँ, किसी की ऐसे कटाक्ष करने से क्या फायदा? आप सर, आप भी कर, हर कोई किसी न किसी के भक्त है आजकल, आप सर शहर में आप खुद जाएं सर्वे कर लें, आप इनसे खुद प्रश्न किया करें ना। ये बोल रहे चुटकी में मेडिकल कॉलेज ऐसा खुल जाएगा क्या? आप नहीं बोल सकते क्या? भैया लोगों ने खुद आप बोले मेडिकल कॉलेज ऐसे घर घर आंदोलन करके अपना प्रस्ताव बना के युवा मोर्चा ने स्वयं बनाकर भेजा था मेडिकल कॉलेज, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज का नाम आया ना उनका। निश्चित रूप से इनकी खुद बात ये मान रहा है कि विपक्षी भूमिका भी युवा मोर्चा निभा रहा है। जब मेडिकल की बात आई थी तो हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जन आंदोलन किया था, पर निष्पक्ष रूप से हम मेडिकल विधायक इनका, सांसद इनका, नगर पालिका इनकी, और दमोह इंडिया का सबसे गंदा शहर घोषित हुआ। कहने वाली बात, सब कुछ इनका, सरकार इनकी, सब कुछ इनकी, ये सब चाहे तो कर सकते हैं, पर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इनकी सरकार है, इनके पास सत्ता है, ये गुमराह कर रहे हैं। आप रास्ते क्यों नहीं लाए? हम लोग उसका उसके लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर, क्यों गंदा शहर क्यों है? शहर गंदा क्यों? मतलब इंडिया का सबसे गंदा शहर क्यों? निश्चित रूप से जब 3 या 4 साल पहले स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 576 शहरों में दमोह सबसे गंदा हुआ था, उसके कारणों पर भी जाना नहीं चाहूंगा क्यों हुआ था, चाहिए ना। लेकिन आज जब साढ़े देखिए भाई साहब, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने बहुत शानदार काम किया, लगभग 4,500 शहरों का जो सर्वे आया है उसमें 103 नंबर पर दमोह आया है, 4,500 शहरों में 103 नंबर पर, और आने वाले समय हम लोगों का जो अपेक्षा रहेगी
और कोशिश रहेगी वो रहेगी टॉप 10 में दमोह के आने की, और निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे चीज। हाँ तो क्या है जब 4,500 में देखिए, अगर ये व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो अव्यवस्थाएं लगातार हमारे दमों में, अभी हम लोग प्रचार पर निकले हुए, इतने सारे गड्ढे हैं कि 2-4 हमारी महिलाएं तो उसमें गिर गई हैं। तीस साल में ये गड्ढे नहीं भर पाए। पैसा बहुत आ रहा, मैं ये नहीं कहूँगी पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, पर निजी स्वार्थ के लिए पैसा आ रहा है, ठेकेदारों के पास पैसा जा रहा है, आम जनता के लिए पैसा नहीं आ रहा। सड़कें बनती है, मिटती है, फिर नाली बनती है, फिर उसको खोदा जाता है, मतलब कैसे काम बढ़ाना, कैसे पैसा लाना, ये तो जानते हैं, पर विकास नहीं होता, और विकास के नाम पे विकास सो रहा है। अच्छा, 15 साल से मध्य प्रदेश में सो रहा है और 35 साल से दमोह में सो रहा है, तो आप बताइए हम लोग आम जनता क्या करें? जीत क्यों जाते हैं फिर हर बार? देखिए ये जीत नहीं रहे, अगर आप इनके जीत का अंतर देखेंगे ना तो नाम मात्र का अंतर है। 5,500 नहीं होता है, नहीं ये 132 बराबर है सर, 32 में आप 20,000 से चुनाव हार रहे थे, जिस चुनाव को हम 20,000 से हार रहे थे, हाँ निश्चित रूप से हार रहे थे, उसको 132 से हम जीते हैं, क्या गलत है उसमें, मेहनत से जीते थे और उसके बाद 5,500 जीते और इस बार दंड भेद 23,000 फर्जी वोट है कैसी पकड़े इनके, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ना, सुनिए ना, उनके 5 जगह नाम जुड़े हैं, जो यहाँ राहुल सिंह जो दमों से खड़ा हुआ है, आपराधिक प्रवृत्ति के उनके मामले हैं, 10 मामले उनके हैं जिनके उजागर, और दमों की जनता उनके बारे में पता भी है कि उनके कैसे कैसे मामले हैं, उसके बाद 5 जगह से नाम जुड़े हैं, आपको भी पता होगा, 5 जगह उसी पे तो आपत्ति लगाई, उसी पे आपत्ति लगाई, उसी पे तुम लोगों ने आपत्ति लगाई थी, इसके बाद रोने लगे ये लोग, हम लोग जिस आदमी रोने लगे आप मान गए? नहीं हम लोग नहीं माने, हम लोगों ने 16 बिंदुओं पर आपत्ति की थी निश्चित रूप से, 12वीं तक इनकी एजुकेशन है, जिस व्यक्ति की 12वीं की एजुकेशन होगी निश्चित रूप से फॉर्म भरने में गलती होगी, लगातार अपराधी एजुकेशन छोड़िए ना, एजुकेशन इस देश में कैसे कैसे लोग, जब आप तुलना करेंगे प्रधानमंत्री जी की डिग्री भी नहीं सामने आ पाएगी, किसी भी व्यक्ति की जब आप तुलना करेंगे तो उसके व्यक्तित्व से लेकर सामाजिक सरोकार के कामों से लेकर उसके क्या राजनीति में देखा क्या जाता है, एजुकेशन देखी जाती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, काम करने की क्षमता क्या होती है, उसका चरित्र क्या है, उसका व्यवहार क्या है, इन्हीं सब बातों पर चुनाव होता है ना। तो इस चीज पे हमारे जैन भैया बहुत आगे हैं और निश्चित रूप से दमोह की जनता तराजू में तौल के जब देख रही है तो राहुल सिंह उसमें बहुत नीचे पहुंच रहे हैं और जैन भैया लगातार बहुत लंबी जीत को अग्रसर हो रहे हैं। 11 नवंबर राहुल जी मलैया वाली बात तो ठीक है, जो कसमुरिया जी है वो गड़बड़ा तो नहीं देंगे, वो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते दिखेंगे आपको चुनाव पार्टी में। आज वरिष्ठों की हालत देख रहे हैं, आज उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, मतलब उन्हें इतनी इनसे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको 2-2 जगह से निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, यानी कि उनको समझ में आ रहा है कि दमोह की हालत क्या है, पथरिया की हालत क्या है और पूरे जिले की हालत क्या है, ये इनके मंत्री खुद बता रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ 5 नेताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निष्कासित किया है, इनका खुद का घर इनका शीशे का होता है, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, इनके 5 लोग नहीं तो हमारे यहाँ तो एक हुआ, आपके यहाँ तो 5 हो रहे हैं, आपके यहाँ तो 5-5 जो जी बताइए भैया। दमोह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो निश्चित ही स्वास्थ्य सेवाएं सब ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो डॉक्टर है उनके निजी क्लिनिक चल रहे हैं सर, डॉक्टर जो हैं जितने भी डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में हैं, हम डॉक्टर इस पर कटाक्ष अपन सर, मना नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है सर, लेकिन सर निजी क्लिनिक चल रहे हैं, प्रशासन का किसी भी प्रकार से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कई शिकायतें सामाजिक लोग करते हैं जिला प्रशासन से कि डॉक्टर जो हैं निजी क्लिनिक चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जब वो निजी शिकायत की आपने जाके कलेक्टर साहब से कई बार ज्ञापन दिए सर, हम लोग ने सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, मंत्री जी के सब कुछ पता है सर, पहली जब अगर हमारी क्षेत्र की कोई भी समस्या होती है तो पहली फाइल सर माननीय वित्त मंत्री के यहाँ लेके ही जाते हैं हम लोग, पहले अगर सर माननीय वित्त मंत्री जी कार्रवाई करते हैं तो हमें तो आगे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, बाकायदा फोन लगाते हैं वो कलेक्टर के लिए, ये दो मत की बात नहीं है, कलेक्टर से बात करते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, परंतु ऐसा कैसी क्या कंडीशन है कि प्रशासन कार्रवाई करने से बचता है उन पर, मंत्री जी के कलेक्टर साहब नहीं सुनते, बिल्कुल गलत बात है, इन युवाओं नया खून युवाओं का राजनीति में हाईलाइट होना चाहते हैं और निश्चित रूप से बिल्कुल यही बात है, यही बात है, अपना बताइए पथरिया की सुनिए आप, आदरणीय जैन भैया रिक्शे ठिलिए वाले से लेकर बड़े बड़े दुकानदारों से लेकर हर हाई क्लास के लोगों की बातें उतनी सरलता सुनते हैं जितनी हर किसी को सुनते हैं, तो ये तो कहीं बात सामने एक सबसे आदरणीय जैन भैया के बारे में जब भी किसी से पूछेंगे तो आपको हमेशा उनके मिलनसार सहज सरल उनका व्यक्तित्व है, हर आदमी की बात सुनते छोटे छोटे व्यक्ति की, तो ये तो कोई बात ही नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, सर अगर मान लो ठीक है सर सब चीजें सही तरीके से संचालित हो रही है तो आज से सर अगर 15 दिन पहले पथरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में अगर डॉक्टर उपलब्ध होते तो ग्राम पंचायत बोतराई में जो एक गड्ढे में 3 बच्चे गिरे थे तो उनकी सर मृत्यु ना हो पाती, पथरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध थे ही नहीं सर, वहां से लेके दमोह आना पड़ा,
जब वहाँ के सर हम तो वही क्षेत्र के लोग हैं सर, हमारे रिलेटिव हैं वो लोग, तो हम लोग संपर्क किया तो उन्होंने ये बोला था कि डॉक्टर ये निजी क्लिनिक में व्यस्त थे, वो एक एक घंटा कर करके 3 घंटे बर्बाद किए उन्होंने। अगर डॉक्टर उपलब्ध होता जरूरी नहीं था तीनों बच्चे मृत होते सर, उनसे बच भी सकता था कोई सर। सर प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने के प्रयास क्यों नहीं करता है? प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। देखिए पथरिया भाई साहब एक बहुत छोटा क्षेत्र है, वहाँ से जब भी मरीज रेफर होता है तो हायर मेडिकल सिस्टम पे आता है, दमोह आता है, उसके बाद जौलपुर जाता है। अब ये किसी की मृत्यु होना भगवान की कृपा, भगवान की उससे बहुत भगवान की उसमें बहुत बड़ी वो अपन मान सकते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम को आप गलती दें। अब जयंत भैया ने दमोह जौलपुर रोड बनाया, इसमें रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज 2-3 व्यक्ति मर रहे हैं, तो उसमें क्या अपन विकास को दोष देंगे? व्यक्ति के चलने पर होता है। अब गलत एग्जाम्पल चले गए, प्राथमिक सेंटर मजनू बताया PSC में, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, ये गलती है, ये इसमें वो वाली बात नहीं आएगी, रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हमारी बहन ने बोला था जो उसके पहले के गड्ढे में कांग्रेसी गिर रहा है, मैंने उस चीज को लेकर जवाब दिया था। अरे सभी गिर रहे हैं भाई, और मुझे लगता है कांग्रेस को गड्ढे में गिरने की आदत है। सर गड्ढे में सुनिए, गड्ढे में कांग्रेस ही गिरे, गड्ढे में भाजपा ही गिरे, कोई दिक्कत नहीं, गड्ढे में जनता ना गिरे। दमों में आप जिस रूट पे चल रहा हूँ, मैं आपको बहुत विश्वास से और बहुत ताकत से कह सकता हूँ, आप मेरे साथ चले, दमों शहर की सड़कों में आपको कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। वो तो कांग्रेसों की आदत है गड्ढे ढूंढ उसमें गिरने की, और 15 साल से दमों की जनता और प्रदेश की जनता इनमें गड्ढे में उनको डालने का काम कर रही है, और इस 2018 के चुनाव में इस बार इनको गड्ढे में डालकर मध्य प्रदेश की जनता ऊपर से जमीन बंद करने का काम भी कर देगी। अगली बार आपको क्या नाम है? नितिन मिश्रा, किस पार्टी? कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। जी बताइए, ये जो रोड की बात कर रहे हैं, ऐसी रोड है कि इन लोग लगातार, इनके भाजपा के जिलाध्यक्ष जी भी उसका कई बार विरोध कर चुके हैं, युवा मोर्चा विरोध कर चुका है, देवनारायण श्रीवास्तव जी, ये स्वयं मनीष तिवारी जी हमारे प्रवक्ता हैं जो भाजपा के सम्माननीय साथी हैं हमारे, ये जी जी ये वहां पर जाके कई बार विरोध कर चुके हैं। ये स्थिति है, इनके वास्तविक हालात है रोड के, और वो भी क्यों एक बार ये मंच पर भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो बनाने वाला जो है उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, कि हम लोगों के विरोध करने से भी उस पर कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग की भी नहीं सुना वाला पार्टी कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती आरोप? बिल्कुल निराधार आरोप है, और निश्चित रूप से एक बात तो आप मान के चलिए, अभी तक जितनी कांग्रेस के द्वारा बात आई है कि आपने जैसे सबसे पहले प्रश्न किया था कांग्रेस से कि विपक्षी भूमिका भी भाजपा के लोग निभा रहे हैं, पक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष की हम लोग निभा रहे हैं। निश्चित रूप से रोड में कुछ खराबी आई थी, युवा मोर्चा ने लगातार उसके प्रति संघर्ष किया, धरने पर बैठे, आंदोलन पर बैठे, हम लोगों ने अपने प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन दिया और उस रोड को सुधारने का काम किया है। पर नहीं वो उस पर पूरा रोड खुद निश्चित कांग्रेस, अगर मान लिया जाए कि मेरी व्यक्तिगत बात ना मानी जाए, परंतु कई पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे स्वयं पता कर सकते हैं कि पथरिया वाला मामला था सर। सर 101% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ सभी पत्रकारों ने उसको अखबारों में चलाया था, इलेक्ट्रिक मीडिया में चलाया था। सर डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त थे सर, 5 बार जब कोई परिजन जाता है और 5 बार आप उससे बोलते हैं आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, 3 घंटे बर्बाद होते हैं, उस समय सर बच्चों की सांसें चल रही थी सर। अब पत्रकारों से पूछिए ना सर, पत्रकार उपस्थित हैं, उनके द्वारा खबर चलाई गई थी सर। तो यहाँ के जिला कलेक्टर की माता को वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिली थी, जिला अस्पताल की ये स्थिति है, आप छोटी सी बीमारी के लिए चले जाइए, तत्काल वहाँ पे दलाल लगे हुए, वो लिखते हैं जबलपुर रेफर, छोटी छोटी समस्याओं के लिए ये बोल रहे हैं ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दमों आते आते तक तो आदमी खत्म हो जाता है। ये स्थिति है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, और जो ये बताते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं हमने अस्पताल बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया, तो वो उस मंदिर जैसा है जिसमें भगवान तो है ही नहीं। आपने मंदिर बना दिया, भगवान नहीं रखोगे तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा जनता को? वही स्थिति है डॉक्टर, नहीं आप नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर के अलावा जो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, दमों में स्वास्थ्य सुविधाएं, दम बुंदेलखंड के 5 जिले जो सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इन सब में सबसे जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं दमों के अंदर है। डायलिसिस मशीन 3 चालू है, 10 आने वाली है, डिजिटल एक्सरे मशीन दमों में चालू है, बर्न यूनिट, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है। निश्चित रूप से डॉक्टरों की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए डॉक्टर लोग भी हमें और आप लोगों में से हैं, जब वो पढ़कर निकल कर आते हैं तो दमोह जैसे छोटे शहरों में काम करना नहीं चाहते हैं। और तो लाइए उनको, नहीं 10 पोस्टें खाली है, नियम बनाइए कि पहले उनको 5-10 साल काम करना पड़ेगा। ये भी नियम है, आपको पता है भाई साहब, गाँव का इम्प्लीमेंट कराइए, उसकी अपेक्षा वो लोग नौकरी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप स्वास्थ्य सुविधाएं दमोह की, अगर आप मेरे साथ अपने इस कार्यक्रम के बाद अगर आप मेरे साथ चलना चाहें, और उसको आप अलग से अपने पूरे शो में ले सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को। मैं आम जनता से हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरा किसी में भी नाम नहीं जुड़ा है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, सुनिए आप, मेरी शादी यहीं हुई है, और पहली बार मैं घर से बाहर जब मैं निकली हूँ, मैंने जब गली मोहल्लों का जायजा लिया है, नालियाँ जस की तस, पेयजल संकट जस की तस, कहाँ पानी, आप बता रहे कि पेयजल संकट वो हुआ, मैं सुरेखा कॉलोनी में रहती हूँ, वहाँ के वार्ड मेंबर जो है वो पार्षद जो है वो कांग्रेस से है, उनका कहना क्या है भैया, मैंने खुद 2 दिन आंदोलन किया, जब जाके रोड बनी, जब मैंने चक्का जाम किया
तब जाके रोड बनी थी, नहीं तो मेरे बच्चे नहीं निकल पाते थे भैया वहाँ से है। वहाँ का क्यों क्यों नहीं बनी मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ का पार्षद कांग्रेसी है और बीजेपी का सरकार बीजेपी की चल रही। उन्होंने मुझे खुद बताया, सब पार्टी के लोगों ने मुझे, मैडम कुछ नहीं कर सकते, नगर पालिका से कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा आप जी बताए? मैंने वहाँ भी बात रखी थी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आज भी मैं ये कहती हूँ ना मैं कांग्रेस से जुड़ूंगी ना मैं बीजेपी से जुड़ूंगी, ये भी मेरा बिल्कुल वादा है। मुझे कुछ पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है, सुनिए मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे विकास चाहिए। ये बताइए मेरा बेटा ज्ञान गंगा में पढ़ा, यहाँ कोई अच्छी स्कूल नहीं, एक सेंट जॉन स्कूल है, कॉलेज ओजस्विनी है, ना कोई मेडिकल, मेडिकल कॉलेज आना था भैया, क्यों नहीं आया मेडिकल कॉलेज, आप ये बताइए क्यों नहीं आया? मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है, मैं बाहर नहीं भेज सकती, इसलिए क्योंकि माहौल बाहर का खराब है। जया ने बोला स्थिति, मेरी स्थिति ठीक है, मैं भेज सकती हूँ, बट मैं कैसे भेजूँ अपनी लड़की को? मैं अपने परिवार देखूंगी क्या, लड़की के साथ पढ़ाने जाऊंगी? आप ये बताइए, अगर दमोह में कॉलेज आता है तो मैं अपनी लड़की को अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ, शाम को उसका जायजा कर सकती हूँ कि बेटा तुम किसके साथ जा रही हो? मुझे पांच मांगे बताइए इस दमोह, दमोह की। चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, मुझे किसी से वास्ता नहीं, चाहे पवन भैया बोले आप बोले, मुझे तो कॉलेज चाहिए, मतलब मुझे नहीं पूरे दमोह को। पहला तो जो गंदा शहर, कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ, आप तो दमोह की हूँ, गंदा शहर, गंदा शहर, मेरी भी तो बेइज्जती है। मैं मेरे जो रिलेटिव आते हैं बाहर से, सुनिए मैं, मेरी माँ को कैंसर है फोर्थ स्टेज का, आज तक कोई ना कांग्रेसी हो ना बीजेपी, किसी ने क्या मेरे बारे में पूछा, मेरी माँ के बारे में पूछा? यहाँ एक MRI सेंटर नहीं है भैया, नहीं होना चाहिए क्या? मैं हर बार जबलपुर लेके जाती हूँ, 8,000 पेड करती हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए? मैंने 35 लाख में अपना मकान बेचा है अपनी माँ के इलाज के लिए, किसने, किस मंत्री ने, किस मंत्री ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया है? क्या मलैया जी को नहीं पता क्या कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, आप बताओ, शायद कैंसर कैसी बीमारी चल रही है आप बताओ? मैं ऐसा नहीं बोल रही मेरी माँ को कैंसर है, लेकिन कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि उसका इलाज मैं खुद कर रही हूँ। हर 20 दिन में मेडिकल जाती हूँ, अपेक्स हॉस्पिटल में प्राइवेट इलाज करवा रही हूँ, 20,000 के कीमो, अभी 1,60,000 के इंजेक्शन में अपनी माँ को दलवा रही हूँ, 2 दलवाए, तीसरा भी बाकी है 27 तारीख को। बताइए भैया हम लोग कैसे रहें? बीजेपी वाले जीत जाएंगे वो उनका, हाँ मेडिकल कॉलेज बोला जी भैया, और कैंसर हॉस्पिटल, मैं मलैया जी से या राहुल भैया से, दोनों जो भी जीतता है, मैं ये नहीं कहती कोई जीते, लेकिन लेकिन सुनो, लेकिन भैया कॉलेज लाओ आप, ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल लाओ, हॉस्पिटल में आप फैसिलिटी लाओ, हॉस्पिटल तो है। और तीसरी बात सुलभ कॉम्प्लेक्स, हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, बाथरूम जाना है घर जाओ, क्योंकि सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं, पार्किंग व्यवस्था नहीं, गाड़ी लेके आते, फोर व्हीलर लेने से क्या मतलब? क्यों? क्योंकि ड्राइवर रखो, 6,000 ड्राइवर को पेड करो, नहीं तो आप जाओ स्कूटी से या फिर रिक्शा से, तो कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब नहीं है। ये मैं व्यक्ति विशेष ना मंत्री जी को मैं कुछ बोल रही हूँ, ना मैं आगामी नेता जो आने वाले, ना मैं उनके विरोध में बोल रही हूँ, मुझे तो दमों का विकास चाहिए, और मुझे नहीं, मेरे जो भी भाई बहन है, हर महिला की आवाज है, हर जनता की आवाज है। मैं सब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, सरकारों का इतिहास 60-70 साल पुराना है जी दीदी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, 60-70 साल पुराना हमारी देश की राजनीति का जो हिस्सा है वो आया गया। मैं यहाँ पर सिर्फ जो हमारे देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस तरह से आपने आवासीय योजनाओं में लोगों को, गरीब लोगों को घर प्रदान किए हैं, ठीक उसी तरह से एक योजना का और समन्वय कीजिए, उसी तरह से आप छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को भी ग्रामीण स्तर पर विकसित कर दीजिए, जिससे वहाँ पर रोजगार का जो स्तर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दमोह से एक ट्रेन चलती है शाम को 6 बजे, गोंडवाना एक्सप्रेस दिल्ली तक जाती है, लोग रोज दर्जनों सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लोग प्रवासी हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो यदि ऐसा हो सकेगा, मनीष भैया यहाँ पे खड़े हैं, हमारे नितिन भैया खड़े हैं, निधि भाभी जी हैं, इनसे भी मेरा आग्रह, यदि आपकी सरकार आए आपकी आए, वो विषय नहीं है, विषय ये है कि देश में रोजगार का, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, लोगों को कम से कम जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए रोजगार, उनके पास पैसा आना बहुत जरूरी है। पेंशन के दम पर या हमारी अनुशंसा के दम पर लोगों का जीवन यापन नहीं होता है, खोखली नीतियां, खोखले वादे, ये सब चलता रहेगा, इनमें देश का भला होने वाला नहीं है, तो जो आधारभूत काम है वो जरूर होना चाहिए, मेरा इतना ही निवेदन है। एक विशेष निवेदन और करना चाहूंगा, हॉस्पिटल की जो बात की है, मेरे पिताजी को भी अभी एक हफ्ते पहले मेरे पिताजी को भी पैरालिसिस का अटैक आया था, सरकारी हॉस्पिटल की ये हालत है भैया कि वहाँ सुबह
जब मैं 9 बजे पहुंचा पिताजी को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था, और डॉक्टर जब आए तो उन्होंने इंजेक्शन लगा के बोल दिया बीपी हाई है और दिन भर के लिए बॉटल चला दी, और उसके बाद में एक भी डॉक्टर या एक भी नर्स वो बॉटल निकालने तक नहीं आती है, देखने नहीं आती कि क्या। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं हैं, बहुत हाईटेक हॉस्पिटल बना है, आप देख आइए, लेकिन डॉक्टर का अभाव। आखिरी बात सुनना, क्या नाम है? यशपाल ठाकुर जी। क्या है आप? मैं शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस। लोग यहाँ शिकायत कर रहे थे कि आप लोग ठीक से विरोध नहीं कर पाए इनकी नीतियों का, जो उनकी कमियां रह गई थी। नहीं नहीं, विरोध तो हुआ है, विरोध हम लोग क्या करें, पूरी जनता विरोध कर रही है, वो जगह जगह जा रहे हैं, आप पूरे सब जगह उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि कैसे विरोध होता है, दरवाजे खटखटाते 10-10 मिनट खड़े रहते हैं, उसके बाद भी दरवाजे नहीं खुल रहे हैं लोगों के, क्योंकि आप सुबह से कैमरा घुमाओ, चाहे पुराना थाना हो, चाहे बस स्टैंड हो, तीन गुल्ली चौराहा हो, जौलपुर नाका चौराहा हो, हजारों की तादाद में बेरोजगार खड़े मिलेंगे कि आप आ जाओ मोटरसाइकिल से कार से तो हमें लेके चले जाओ, तो हमें 200 रुपए की मजदूरी दमों में मिल जाए कहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाश्ता लेके आते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ कोई उद्योग नहीं आया अभी तक। उद्योग मंत्री रहे जयंत मलैया जी, क्या लेके आए दमों में? आप शिक्षा विभाग में देखो, आप शिक्षा विभाग में उनके अलावा कॉलेज के अलावा दमों की दुर्दशा, जहाँ स्टेशन नहीं था वहां चले गए यहाँ से, शिक्षा कॉलेज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यहाँ से चली गई, लेकिन दमों में कुछ नहीं हुआ, दमों में विकास तो हुआ ही नहीं, हुआ विकास तो उनके लोगों का और उनका विकास हुआ है। जी, अब आप मुझे जो बड़ी समस्या निकल के आई, रोजगार जी, स्वास्थ्य जी, क्या करने वाले हैं बता दीजिए। देखिए, विधायक बनते द्वारा सरकार बनती है, निश्चित रूप से आदरणीय जयंत भैया विधायक ही बनना है, वित्त मंत्री की कमान भी उन्हीं के हाथों में होगी। जो पहला हमारा काम होगा वो मेडिकल कॉलेज लाने का दमों में होगा, उसकी प्रक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घोषणा करके गए हैं, जयंत भैया भी बोल चुके हैं कि छतरपुर और दमों में एक साथ भूमि पूजन होगा, ये उनका वचन है। अच्छा, वहाँ पे निजी बनाएंगे कि सरकारी बनाएंगे? बोल लेंगे, ये होगा पहली बार। दूसरा, उद्योगों को बढ़ावा देने का काम, चूंकि हम लोग पहले मान चुके हैं यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री आने वाली नहीं है, जैसा हमारे भाई ने बताया आशीष तंतवाई जी ने, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों पर हम काम करना चाहते हैं, कृषि आधारित उद्योगों पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जैन भैया ने विकसित किया है लगभग 50 एकड़ का, वहाँ पर लोगों को लोन दे के फैक्ट्री लगाने का काम किया जा चुका है, और आपको मैं अगर चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ 50 उद्योग वहाँ पर छोटे बड़े लग चुके हैं। ऐसा उन आधारित इन चीज़ों को लेकर हम चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को और सुधारना चाहते। आज़ादी के पहले यहाँ पर केवल 6 हाई स्कूल थे, 8 मेडिकल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या करेंगे सर? मैं मनीष भैया से पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप अनिल कुमार जैन आम आदमी, ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी, ठीक है। मनीष भैया से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है उद्योग धंधे नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्री है उसमें क्या दमोह के लोग लगे हैं क्या? इस बारे में बात हो चुकी है भाई, सब क्या होता है, कांग्रेस के लोगों को कुछ चीजें हटाई गई है, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो मौका आप ही लोग दे रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा क्या होता है, जैसे इनके बाद में जो नेता आते उनको पता ही नहीं रहता कि ये बातें हो चुकी हैं, क्योंकि रटाया तो घुट्टी तो उसी की पिलाई गई है। बातें इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि आपने मौका दिया है, मुद्दे दिए हैं उनको। मौका नहीं दिया है, हम लोग 50 मुद्दे गायब कर चुके हैं, इसके बाद बेरोजगारी जैसे कुछ मुद्दे हैं जो बहुत बड़े भी हैं निश्चित रूप से, और उसमें काम होना शेष है, हम उसमें काम करके भी हम ही दिखाएंगे। चलिए ठीक है, जनता के दमों के मुद्दे, इसमें भी आरक्षण लागू है, तो बिल्कुल दिया आपको, ठीक है। दमों के मुद्दे आपने जाने, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोजगार है, अस्पताल की बड़ी दिक्कत है, अस्पताल को लेकर लोग परेशान है, कह रहे हैं अस्पताल में व्यवस्था तो है मगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। उसके अलावा जो भी मुद्दे थे आपने देखे, ऐसे और तमाम शहरों में हम जाएंगे, वहाँ के मुद्दे जानेंगे और ये समझेंगे कि जनता का मूड क्या है, और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूँ सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विभव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।